हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे गार्निंग बॉय पे। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों आज आप देख रखे हैं ये बनाना के पील्स हैं। दोस्तों आज हम इसका यूज करेंगे गार्निंग में कि किस तरह हम अपने फ्लावरिंग वाले प्लांटों को बूस्ट कर सकें। दोस्तों अक्सर हम केले खाने के बाद इनके ये छिक्कल फेंक देते हैं। दोस्तों आज हम इसका आपको एक यूज बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अपना जो बनाना पील्स थे इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब हमको इसको मिक्स करना है, तो देखिए दोस्तों ये मिक्स हो चुके हैं। दोस्तों ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है और फास्फोरस भी है। तो दोस्तों आप चाहें तो अगर आप पे मशीन हो, मिक्सर हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं है मिक्सर तो आप छोटे छोटे पील्स को काट लीजिए और उनको एक डब्बे में रख दीजिए 10 दिन के लिए। मेरे पास मिक्सर था इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया है, इसको हम 10 दिन के लिए छोड़ेंगे। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इसका मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। जब मैंने इसे पहली बार यूज किया तो मैं भी हैरान रह गया कि एक बनाना पील से इतने सारे फ़ायदे हमको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही प्लास्टिक के डब्बे में इसको भर के रख दीजिए 10 दिन के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इसका रिज़ल्ट भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा गुड़हल का प्लांट है, इस पर हमने 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र को हमने इसमें डाला था। देखिए मैं भी हैरान हो गया जब मैंने इस फर्टिलाइज़र को इसमें डाला और मुझे जो रिज़ल्ट मिले वो चौंकाने वाले रिज़ल्ट थे। दोस्तों मैंने ऐसा सुना ही था कि बनाना पील्स अगर हम अपने फ्लावरिंग वाले प्लांट में डालते हैं तो फ्लावर बढ़ जाते हैं, पर दोस्तों जब मैंने इसको यूज किया तो मैं हैरान रह गया। अगर दोस्तों आप भी इस फर्टिलाइज़र को यूज करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, पर आपको एक सावधानी रखनी है। जब भी ये फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट में यूज करें तो इसमें पानी ज़रूर मिलाएं। और दोस्तों इस प्लांट पे जब भी आप ऐसे प्लांटों पे जब आप पानी डालें फर्टिलाइज़र के साथ तो आपको ट्रंक लेवल से दूर रखना है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का उपयोग उसी प्लांट में करना है जिसकी ब्रांच जो हार्डवुड होती है, जैसे बोगनविलिया या फिर गुड़हल या चंपा, ऐसे प्लांटों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और आने वाली आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में दिख रहे बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इससे मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों जल्दी ही हम आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।